ब्राह्मणों का इतिहास राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा है। ब्राह्मणों के दिमाग से भारत सुपर पावर बन सकता है, यह कहना है आईएएस अधिकारी व लेखक नियाज खान का, जिनकी पुस्तक ब्राह्मण द ग्रेट का विमोचन हुआ। आईएएस अधिकारी व लेखक नियाज खान की पुस्तक ब्राह्मण द ग्रेट का विमोचन अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित समारोह में स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिर्मठ अवान्तर भानपुरा पीठ मध्य प्रदेश की पावन उपस्थिति में महामंडलेश्वर अतुलेशानंद जी, सरस्वती महाराज, आचार्य शेखर जी, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा शैलेशानंद गिरी जी महाराज, उपनिषद आश्रम के संस्थापक स्वामी वितरागानंद जी, सरस्वती महाराज के आतिथ्य में होटल अंजुश्री में हुआ। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में सभी धर्मों व सभी वर्गों के लोग मौजूद रहे। होटल अंजुश्री इंदौर रोड पर हुए इस पुस्तक विमोचन समारोह में पत्रकार, शिक्षाविद, डॉक्टर, प्रोफेसर, अभिभाषक, युवा छात्र छात्राएं एवं शैक्षणिक जगत से जुड़े हुए प्रमुख लोगों के साथ समाज प्रमुख समारोह में मौजूद रहे। इस अवसर पर भानपुरा पीठाधीश्वर ज्ञानानंद तीर्थ ने कहा, ब्राह्मणों का राष्ट्र के प्रति वही मातृभूमि के प्रति सदैव समर्पण रहा है। ब्राह्मणों का इतिहास आजाद ही नहीं, इसके पूर्व से भी आक्रांताओं के भारत भूमि पर आक्रमण के समय ब्राह्मणों ने त्याग व बलिदान दिया। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी ने कार्यक्रम की रूपरेखा सभी के समक्ष रखी। ब्राह्मणों के दिमाग का उपयोग करो, उन्हें उच्च पदों पर बिठाकर यदि काम करेंगे तो भारत सुपर पावर बन सकता है। उक्त बात ब्राह्मण द ग्रेट पुस्तक विमोचन के अवसर पर संबोधित करते हुए पुस्तक के लेखक नियाज खान आईएएस ने कहे, इस अवसर पर मुस्लिम रिलीफ कमेटी मुस्लिम समाज की ओर से शमीम अहमद खान, काजी शमसूर रहमान उस्मानी, अखलाक अहमद कुरेशी, मोहम्मद शफी, मुस्लिम रिलीफ कमेटी के संयोजक तथा क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महासचिव अनिल सिंह चंदेल, हरदयाल सिंह ठाकुर, कायस्थ महासभा के हरीश श्रीवास्तव, घनश्याम सक्सेना, वही समस्त पदाधिकारी, ब्राह्मण समाज के सर्वश्री जियालाल शर्मा, नारायण उपाध्याय, धर्माधिकारी पंडित राजेश व्यास, विनय कुमार ओझा, पंडित रामेश्वर जोशी, वीरेंद्र त्रिवेदी, शैलेश दुबे, दिनेश रावल सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। संचालन राष्ट्रीय कवि अशोक भाटी ने किया, आभार वरिष्ठ पत्रकार निरुक्त भार्गव ने माना। सनातन के लिए सबको कार्य करना चाहिए, सनातन के लिए हर मानव को, हर प्राणियों को सनातन का कार्य करना चाहिए। बुद्धि के लक्षणों को समझना साधारण नहीं होता है। बुद्धि निश्चात्मिका निर्णय का कार्य करना तो बुद्धि और बुद्धिमानों का ही होता है और होता रहेगा। आज ब्राह्मण द ग्रेट एक हमारी पुस्तक जो आईएएस अधिकारी और विशेष करके स्वागत योग्य बात यह है कि एक मुस्लिम धर्म के अधिकारी होने के बाद, मुस्लिम समाज से आने के बाद वो ब्राह्मण द ग्रेट के ऊपर उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया, तो हम सब लोगों के लिए ये गर्व की बात है। और आज आप देख रहे हैं कि आपने देखा यहाँ पर आज कि पूरी पुस्तक विमोचन के अवसर पर पूरा समाज, केवल ब्राह्मण समाज नहीं, आपने देखा यहाँ पर बोहरा समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, इसके साथ साथ कायस्थ महासभा, क्षत्रिय महासभा, हमारे अग्रवाल समाज के वैश्य महासभा के लोग और हमारे अनुसूचित जाति और आदिवासी क्षेत्र के भी लोग हमारे यहाँ आज इस पंडाल में आए हुए थे और सब लोगों ने आज इस पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम को बिल्कुल सामाजिक समरसता के रूप में, मैं तो ये कहूँगा कि आज इस पुस्तक का विमोचन यहाँ पर हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर अपने ब्राह्मण समाज को जो आयोजन करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं नियाज साहब का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उज्जैन को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ चूँकि उज्जैन महाकाल की नगरी है और आध्यात्म की एक राजधानी है, धर्म की एक राजधानी है और इसलिए उज्जैन को ये गौरव प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं उज्जैन की जनता की ओर से उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सकता है और ख़ासकर कौटिल से बहुत प्रभावित हूँ मैं। कौटिल एक मेरे आदर्श हैं, उनकी सादगी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा महान ब्राह्मण जो कौटिल जैसा शायद दोबारा जन्म नहीं लेंगे, तो मैं एक ऐसा कैरेक्टर आज के कलयुग में लेके आना चाहता था कि अगर वही कौटिल आज के डेट पर यदि संघर्ष करे तो क्या ब्राह्मणों की जो एक गौरवशाली इतिहास था, एक उनकी संस्कृति थी, धर्म के प्रति महान उनका त्याग था, क्या वह फिर आज के डेट प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? किस प्रकार से बढ़ते हुए भौतिकवाद के अंदर जहाँ पे धन हिंसा का पैमाना हो गया है, वेद और शास्त्र पढ़ना लोग भूल गए हैं जो कि एक बहुत बड़ा खजाना है हमारा, हमारे ये सनातन धर्म की 2500-3000 साल का जो एक ट्रेजर है, बहुत बड़ा धन या कोष है,
किस प्रकार से लोग भूल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे एक उस चीज़ को पुनर्जीवित करना था और किस प्रकार से ब्राह्मण उसमें सेंटर रोल प्ले करके फिर देश का चौमुखी विकास कर सकता है। नाम भले ब्राह्मण द ग्रेट है, लेकिन कदापि मतलब नहीं कि बाकी किसी समाज के लिए इसमें छोटा बताने की कोशिश की गई। सब एक ही ईश्वर के पुत्र हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि ब्राह्मण जो समय के साथ साथ जो बदलाव हुआ और जो उनका वेद थे, पुराण थे, जो उनका एक बड़ा रिच इतिहास था भौतिकवाद के, उसमें सब लोग भूलते चले गए और हर कोई एक पाश्चात्य जगत के माया जाल में ऐसा फंसा है कि जो हम बहुत बड़ा जो धरोहर थी हमारी हाथों से निकल रही है। इसलिए सबके कल्याण की बात है, देश को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए और किस प्रकार से ब्राह्मणों के सुपर ब्रेन को, सुपर आईक्यू को, हालांकि मैं भी लॉन्चिंग में कहूँगा कई लोग पूछते साहब क्या आईक्यू आप नापते हैं, क्या मशीन क्या है, उसके लिए मैं बोलूँगा मन से कि अगर उनका तो हस्तर विदित है कि यदि उच्च आईक्यू के लोग हैं तो किस प्रकार से उनका उपयोग करके देश को और शक्तिशाली बनाया जा सकता था। और यही मैं बुक लेकर के आया था, ब्राह्मण द ग्रेट, और ये किसी भी स्थिति में किसी जातिवाद को ना तो बढ़ावा देने वाली है और ना किसी को नीचा दिखाने वाली है, ये देश को और मजबूत करने वाली है, सभी और समाज को बांधेगी। प्रश्न इतना है कि जो ब्राह्मण अपने आप को आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाए, किस प्रकार से उत्साह से आगे बढ़ें और उनके मैक्सिमम पोटेंशियल को, ब्रेन कैपेसिटी को फिर से देश के हित में उपयोग किया जा सके।